हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को लेकर के। जी हां, 365 के अंदर अगर बात करें जनरल, अगर आप 2019 या 2016 या 2021 भी यूज करते हैं तो उसमें आपको इफ फंक्शन मिलता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसका प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारा यूज करते हैं इफ का, आपको पता ही है। अब यहां पर हम एक्सेल को पहले ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहां पर एक्सेल ओपन है, ये देख सकते हैं। यहां पर हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, तो ये ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। अब यहां पर एक हमें डेटा लेना है। अब डेटा किस तरीके का होगा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है, ये कर दिया रोल नंबर। ध्यान से समझिएगा, ये फंक्शन जो है स्विच फंक्शन है और इसको समझा रहा हूं, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां पर एक नेम ऑफ स्टूडेंट्स दे देते हैं और फिर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन कर देते हैं, सब्जेक्ट टू कर देंगे, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वन, ये हो गया सब्जेक्ट टू, और इसको यहाँ से कराएंगे ड्रैग, ठीक है, इस तरीके से ड्रैग कराएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल मार्क्स, क्या करेंगे, टोटल मार्क्स, MARKS, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स करने के बाद यहाँ पर एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब पुरानी चीजें हैं, तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्विच सीखना है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड वन। अब देखिए ग्रेड और ग्रेड वन में क्या डिफरेंस है, अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, वन और एंटर करना, फिर यहाँ टू देना है और इसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर रोल नंबर ऑटोमेटिक ये इनेबल फिल हैंडल होने के चलते यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। और यहाँ पर जो है हम चाहे तो ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं। तो ड्रॉपडाउन कैसे बनेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे इतना एरिया और डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ से मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से एनी वैल्यू को बना लीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहाँ पर वो नाम एंटर करते चले जाइए। जैसे हम यहाँ पे राम, श्याम, राजू, सचिन, ऐसे नाम हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सचिन, ये हो गया ईशा, ये हो गया सुनीता, यहाँ पर कुछ नाम ये एंटर कर दे रहा हूँ, ये हो गया मनीषा, तो ये कुछ नाम एंटर हो गया है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे सुशील, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करना है, अब यहाँ से ओके कर देना है। ओके जब करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और रैंड बिटवीन का फंक्शन लगाना है। तो ये रैंड बिटवीन हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ थ्री कर दिया और यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू दे दी हमने, चूंकि हमें डेटा तो चाहिए ही चाहिए, तो सिखाने के लिए मैं इसी फंक्शन का यूज कर ले रहा हूँ, रैंड बिटवीन का। आप जितना जिसको मार्क्स दिए होंगे वो फिल करिएगा। तो ये आ गया। अब इसको हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्लिक करने के साथ ही चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम गए और यहाँ पर एक नेम लेके आते हैं राम, तो देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे फिर दूसरा नेम लेके आएंगे, फिर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे तीसरा नेम लेके आएंगे, ये फिर चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज ना हो इसके लिए इसको फिक्स करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो इस डेटा को फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करना है, और कॉपी करके फिर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल हाईलाइट मिलेगा, इसे बना दीजिएगा वैल्यू। अब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए आप और यहाँ से अगला स्टूडेंट, फिर अगला स्टूडेंट, तो यहाँ पे मार्क्स रिमेन एज सेम ही रह जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के यहाँ पे सुनीता कर दिया और यहाँ पर जाकर के क्या करेंगे, मनीषा कर देंगे, ऐसे करके कुछ नेम रिपीट भी हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आकर के अब देखिए यहाँ पर ईशा कर देते हैं एक बार, और ये दूसरी वाली ईशा, ठीक है, और ये दूसरा वाला नाम। तो ये हो गया। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स, अब देखिए ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये रिसाइज हो जाएगा। अब क्या करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे लगाना है सम फंक्शन। अब सम एक फंक्शन है, फॉर्मूला नहीं है, कई बार फंक्शन ही हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, C2 से लेके G2 तक ये आ गया है। अब इसको बंद करके एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे 303 आ गया। यहाँ पर आइएगा, डबल क्लिक करिएगा, ये सबका आ जाएगा और एवरेज में आइएगा, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ठीक है। और यहाँ से चलिएगा और यहाँ तक आइएगा, यानी इनका एवरेज ये कैलकुलेट करके हमें देगा। तो यहाँ पर ये आ गया है एवरेज, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। अब ग्रेड कैलकुलेट करना है, समझिएगा, इफ फंक्शन लगाया हमने और इफ लगाने के बाद एवरेज को सेलेक्ट किया, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे 85, ठीक है। ये प्रोसेस हम दोहराते हैं, ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे ये नेस्टेड इफ लगा दिया, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड जो है फंक्शन हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे पहले वाले को, क्योंकि एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सुविधा है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नीचे अपने आप सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगी। तो यहाँ 75 किया, 75 करके इसमें कौन सा ग्रेड आ जाएगा, तो इस बार आएगा ए ग्रेड, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इसके अंदर इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर इसी को लेंगे,
फिर इस ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और 75 के बाद आएगा 65, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां पर डबेटेड कॉमा के अंदर क्या देंगे, डबेटेड कॉमा के अंदर दे देंगे इस बार कौन सा ग्रेड, तो ये हम 65 पे आ चुके हैं तो बी ग्रेड दे देंगे। फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर बी तक आ चुके हैं तो यहाँ पर आएगा क्या 55, और ऐसे में आएगा कौन सा ग्रेड, सी ग्रेड आ जाएगा, तो ये सी ग्रेड दे दिया। फिर यहाँ पे इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर इसी को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इस ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा ग्रेड अब आएगा तो यहाँ पर वो ग्रेड आपको दे देना है, ठीक है। जैसे पहले तो क्राइटेरिया देंगे कि यहाँ 50 कर देंगे, अब ये लास्ट है तो लास्ट में दो कंडीशन आती है ये तो पता ही है, यहाँ पे डी ग्रेड और इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे, यानी वो बच्चा 50 से लेस रहे तो क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से देकर के एंटर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ग्रेड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो इफ था जो काफी ज्यादा टिपिकल लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कठिन लग रहा है, सही तो है ही है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। इसके जगह आप स्विच यूज कीजिए, तो ये देखिए ये स्विच फंक्शन आ गया है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, स्विच फंक्शन के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है और जो सेम रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है वही सेम रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है, और ये स्विच फंक्शन की मदद से किया है। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप स्विच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। इसको हटाता हूँ, फिर से मैं लगा के बता देता हूँ। यहाँ पे आप स्विच लगाइएगा, SWITCH ये लगा दिया। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे ट्रू, TRUE, अगर ट्रू है तो फिर यहाँ पर कार्य चालू करना है, यानी कि एवरेज को सेलेक्ट करना है, और एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे एस ग्रेड आएगा। फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा और इसी को ले लीजिएगा, यानी बार बार स्विच लगाने की जरूरत नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा कौन सा ग्रेड आएगा, इस बार जो ग्रेड आएगा वो है ए, ठीक है, तो ये ए कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहां पर I2 ही देंगे और इस बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे और 65 कर देंगे, और इस बार जो ग्रेड आएगा वो कौन सा ग्रेड आएगा 65 करने पे, तो 65 करने पे यहां पर जो ग्रेड आएगा वो आएगा आपका बी ग्रेड, कौन सा ग्रेड आएगा बी ग्रेड, तो ये बी कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहां पर आई जो लिया था I2 वही लेना है आपको, तो I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहां कर देंगे 55, तो कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहां पे सी ग्रेड आएगा, ठीक है, ये सी ग्रेड हो गया। और फिर यहां पर I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो कौन सा ग्रेड आएगा, तो डी ग्रेड आएगा। और लास्ट में अगर कोई भी ग्रेड ना मिले, यानी इन सारे कंडीशंस को टैली ना करे, तो यहां पर ये बच्चा हो जाए क्या, फेल्ड, तो ये फेल्ड भी दे दिया हमने और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सी ग्रेड आ गया है ऑटोमेटिक, हमने फॉर्मूला लगाया, फंक्शन लगाया, उसके बाद ये सी ग्रेड आ गया है और यहां पर ये रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप इस पे बॉर्डर लगा लीजिएगा, कंट्रोल ए करके इसे सेलेक्ट कीजिएगा, अल्ट एच बी ए कर लीजिएगा, और अल्ट एच बी ए करने के बाद यहां पर आप इसे हेडिंग वगैरह दे दीजिएगा, तो थोड़ा सा और ये प्रॉपर वे में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। स्विच फंक्शन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। थैंक यू।